हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम का अप्रैल मंथ का जो शेड्यूल है वो शेयर करना चाहता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिक्स्थ मंथ ऑफ द प्रोग्राम। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हमने नवंबर 7 को स्टार्ट किया था, इफ आई एम करेक्ट, और 7 अप्रैल को इट वुड बी 5 मंथ्स। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 150 दिन। अब जा करके हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं इस मंथ, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग मशीन लर्निंग पे फोकस करेंगे। तो शेड्यूल तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, उसके पहले बस आपके साथ कुछ नंबर्स शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक की हमारी जर्नी कैसी रही है। मैं पलट के देख रहा था हमारा जो कोर्स है, जो हमारी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। सो इट हैज़ बीन 20 वीक्स, 20 वीक्स का कंटेंट यहाँ पर है। और मैंने टीम को बोला कि एक बार कुछ नंबर्स मुझे निकाल के बताओ कि हमने अभी तक इन 150 दिनों में कितने लाइव लेक्चर्स किए हैं और कितने आवर्स का कंटेंट हमने क्रिएट किया। तो द नंबर्स वर लाइक दिस। सो हमने अभी तक टोटल मिला के, फ्री प्लस पेड मिला करके, हमने 80 या 80+ लेक्चर्स किए हैं इन दीज 150 डेज। ऑन एन एवरेज हमारे लेक्चर्स का ड्यूरेशन 2 घंटे होता है, तो नॉट बैड। मतलब हर 2 दिनों में हम लोग एक लेक्चर कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा फुलफिलिंग आई वुड से मुझे जो लगा, जो नंबर मुझे लगा वो ये था कि अभी तक हमने इस कोर्स में अराउंड 215 घंटे का कोर्स कंटेंट जनरेट किया है पिछले 5 महीनों में। एंड वी आर लाइक हाफ वे या हाफ वे से थोड़ा आगे। तो इट हैज़ बीन वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी लोग 5 महीने से इस कोर्स में होंगे उनको शायद दिख रहा होगा कि वी आर ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, एंड एट द सेम टाइम वी आर एबल टू यू नो जनरेट इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मटेरियल। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, जो भी लोग इस कोर्स का पार्ट हो शुरू से या फिर बाद में आप लोगों ने ज्वाइन किया, टू फर्स्ट ऑफ ऑल परसिस्ट, क्योंकि आसान नहीं होता। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड डे इन डे आउट आकर के लेक्चर्स अटेंड करना, टास्क सॉल्व करना। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप लोग स्टिक किए, ठीक है। तो कुछ दिन और आपको स्टिक करना है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोर्स कब खत्म होगा, तो मैंने तो अपनी नादानी में कह दिया था कोर्स की शुरुआत में कि 7 मंथ्स में कोर्स खत्म हो जाएगा। बट कोर्स पढ़ाते पढ़ाते ही रियलाइज हो रहा है कि 7 मंथ्स में तो पॉसिबल था ही नहीं शुरू से ही। तो अभी मेरा जो रिवाइज्ड कैलकुलेशन है, जितना बचा हुआ है उसको लेकर के, तो आई वुड से दिस कोर्स शुड एंड बाय 31 जुलाई, ठीक है। मैं 2 मंथ्स आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, आई नो, एंड आई एम रियली सॉरी। अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं उसको मई तक निपटाने की कोशिश करता। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपसे फीडबैक लिया कि मुझे थोड़ा फास्ट मोड में घुसना चाहिए या फिर मैं जितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही करूँ। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही बोला कि आप टाइम ले सकते हो, तो मैं आपसे 2 महीने एक्स्ट्रा लूंगा इस कोर्स में। जो कोर्स 31 मई को ख़त्म होना चाहिए था वो 31 जुलाई को ख़त्म होगा, बट विल ट्राई टू कवर जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बचे हैं अभी तक, उन सबको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और ऑब्वियसली आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा, जो कोर्स फी है उतना ही आपसे चार्ज किया जाएगा। तो या फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप अभी तक इस कोर्स का पार्टिसिपेट आप इस कोर्स में अभी तक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए हो। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड माई टीम कि हमें भी काफ़ी परेशानियां हुई पिछले 5 महीने, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, बट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं, लेट मी शो यू हमारा अप्रैल का प्लान क्या है, ठीक है। सो अप्रैल का प्लान, इनिशियली मेरा प्लान तो ये था कि हम लोग अप्रैल मंथ से मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे, बट हम लोग 2 वीक पीछे चल रहे हैं। हमें 2 वीक्स और लेने पड़े अप्रैल के टू स्टडी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो प्लान ये रहेगा कि जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, जो कि अभी चल रहा है, इसमें हम लोग जो लास्ट
इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, हम लोग वो कवर करेंगे. सो दो क्लासेस होंगी इस वीक हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, पार्ट वन पार्ट टू बोल के, कल और थर्सडे को. एंड देन विल हैव वन मोर सेशन ऑन एडवांस्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जहाँ पे हम कुछ और एडवांस टेस्ट पढ़ेंगे. और लास्ट वीक एक सेशन नहीं हो पाया था आपका स्टैटिस्टिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस का, उसको हमने इस वीक अकोमोडेट किया है सैटरडे को. और सैटरडे को हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. कुछ टॉपिक्स वैसे बचेंगे अभी भी, और ऑनेस्टली सब कुछ अभी कवर करना जरूरी भी नहीं है. गोइंग फॉरवर्ड जब जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको पढ़ लेंगे, बट इस पॉइंट पे हमने ऑलमोस्ट 90% टाइप्स कंप्लीट कर लिया है. तो 9th को आपका एक असेसमेंट होगा, विच आई थिंक आई शुड गिव यू मे बी वन मोर वीक टू स्टडी, तो आई कैन मूव इट टू 16th, और आई डोंट नो मे बी टू 23rd, थोड़ा और आप टाइम ले लो. तो यही करते हैं, 8th तक हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप 2 वीक्स और ले लो, पढ़ाई करो थोड़ा सा. 23rd से हम लोग आपका स्टैटिस्टिक्स का जो असेसमेंट है उसको लाइव कर देंगे, आप वो दे सकते हो. जो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल है ना, इसमें हम लोग मशीन लर्निंग के लिए और जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है, विच इज बेसिकली लीनियर एलजेब्रा के बेसिक्स, वही सब कुछ, वेक्टर्स क्या होते हैं, मेट्रिसेस क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा सेट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स हम लोग करेंगे. और कुछ और एडवांस टॉपिक्स भी हम लोग कवर कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज एक्सेट्रा, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स में यूज होती हैं, तो उस तरह के टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे. तो ये 2 लेक्चर्स मैंने रखे हैं. इन 2 लेक्चर्स में आप बस इस तरीके से समझो कि गोइंग फॉरवर्ड आपको मशीन लर्निंग में जितना लीनियर एल्जेब्रा इज रिक्वायर्ड वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. और फिर मैंने 2 एक्स्ट्रा सेशंस और रखे हैं, और ये पेड सेशंस हैं, ऑन एडवांस मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, जहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे. ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इन द सेंस, बहुत सारे हमारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं दे वर्क ऑन ऑप्टिमाइजेशन टू रीच द बेस्ट सोल्यूशन. तो ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना रहेगा वो हम लोग इन 2 क्लासेस में करेंगे, ठीक है. उसके बाद 17th से, एज इन जो 3rd वीक है हमारा, यहाँ पर हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट एल्गोरिदम दैट वी विल स्टडी इज लीनियर रिग्रेशन. तो लीनियर रिग्रेशन का कैसा है कि आपके लाइव सेशंस नहीं होंगे जस्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन. उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी मुझे लगता है कि मैं जो बेस्ट समझा सकता था लीनियर रिग्रेशन को, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, उसका वीडियो बना रखा है, तो मैं उसी को थोड़ा सा एडिट करके प्रॉपरली आपके साथ शेयर करूंगा. तो लीनियर रिग्रेशन का जो मेन पार्ट है वो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए जाएंगे, और कुछ जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए हैं अभी तक उनके आपके लेक्चर्स होंगे. जैसे कि यू विल हैव अ लेक्चर ऑन मल्टी कोलिनियरिटी, जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है, तो मल्टी कोलिनियरिटी के ऊपर हमारा एक अच्छा सेशन होगा. एंड देन वी विल हैव अ सेशन ऑन लीनियर रिग्रेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे हम थोड़ा स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसी वीक एक करियर पे चर्चा सेशन होगा आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जैसे जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का काइंड ऑफ दुनिया में बोलबाला हो रहा है, तो डेटा साइंस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. डेटा साइंस को भी ऑब्वियसली टच करेगा चैट जीपीटी और उसके जैसे टूल्स. तो वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन दैट. आई टेक अ प्रोबेबली 1 घंटा 2 घंटे का सेशन. अभी मैंने एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया है कि शुड आई गो फॉर अ लाइव सेशन और शुड आई गिव यू अ प्री रिकॉर्डेड वीडियो, बट जो भी है एक सेशन लेंगे जहाँ पर हम लोग 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे लैंडस्केप बदलने वाला है, कि आप फ्यूचर प्रूफ हो पाओ थोड़ा सा अपनी तैयारियों को लेकर के, मतलब कल को अगर चीज़ें बदलती हैं तो भी आप जॉब्स सिक्योर कर पाओ. और सेकंड हम लोग ये समझेंगे कि आप आज की डेट में भी कैसे चैट जीपीटी को अपने मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस वर्कफ्लो में ला सकते हो. तो इसके अराउंड हमारा डिस्कशन होगा. अब ऑनेस्टली जो भी है सब कुछ बहुत नया है, तो मैं पिछले 4 महीनों से तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ चैट जीपीटी के साथ, तो आई थिंक थोड़ा आइडिया हुआ है मुझे, बस मुझे वो शेयर करना है आपके साथ. आई एम श्योर आपके पास भी कुछ आइडियाज होंगे, तो वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है. तो ये एक सेशन होने वाला है ऑन 17th, ठीक है. उसके बाद लास्ट वीक में ना हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो जनरली आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप लीनियर रिग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हो,
और टॉपिक का नाम है फीचर सेलेक्शन, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मशीन लर्निंग, बिकॉज नॉट ओनली आप वाइल डूइंग प्रोजेक्ट्स यू विल यूज फीचर सेलेक्शन अलॉट, बट ऑल्सो वेन यू गिव इंटरव्यूज ना, तो समहाउ फीचर सेलेक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो वी विल हैव टू फ्री सेशन ऑन फीचर सेलेक्शन एंड देन वी विल हैव वन मोर सेशन, एंड आई आई एम कॉलिंग इट एडवांस्ड फीचर सेलेक्शन. ये कुछ और ऐसे टेक्निक्स है जो यूज किए जाते हैं टू सेलेक्ट फीचर्स, वो हम लोग थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे. एंड टू रैप अप आर मंथ, हम लोग एक केस स्टडी करेंगे. हम लोग एक प्रोजेक्ट बोल सकते हो आप, केस स्टडी बोल सकते हो, जहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन, फीचर सेलेक्शन और मल्टी कोलिनियरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होंगे, इनके बेसिस पे ना हम लोग एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड डेटा सेट उठाएंगे और उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा 29 अप्रैल का प्लान है. ठीक है, तो दैट्स द प्लान, दैट्स द प्लान फॉर अप्रैल. ठीक है, आई नो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे टू पुट इन और टीच MongoDB, कुछ लोगों ने पावर BI भी बोला है, तो ट्रस्ट मी ये सब कुछ है मेरे दिमाग में. पावर BI के लिए आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सेपरेट प्लेलिस्ट नॉट रिलेटेड टू दिस डेटा साइंस मेंटोरशिप प्रोग्राम. और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि MongoDB किसी पॉइंट पे हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, बट अभी इस मंथ में आई कुड नॉट अकोमोडेट दैट. कुछ और भी फीडबैक्स आए थे मेरे पास, बट अगेन अकोमोडेट कर पाना थोड़ा मुश्किल था. तो गोइंग फॉरवर्ड अभी 3 मंथ्स जो और हैं वहाँ पर विल ट्राई टू पुट ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो आई रियली होप ये शेड्यूल आपको ठीक लगा है. और लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी फीडबैक फॉर मी. जैसा कि मैंने बोल दिया यहाँ पे, शेड्यूल इज टेंटेटिव, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम विल ट्राई टू स्टिक टू द शेड्यूल. ठीक है, तो या दैट्स इट. मिलते हैं कल इन आर नेक्स्ट लाइव सेशन. बाय.